नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मोदी गुजरात गौरव यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने अहमदाबाद पहुंचे भी नहीं थे कि राहुल ने ट्वीट कर डाला। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, मौसम का हाल, चुनाव से पहले गुजरात में आज होगी जुमलों की बारिश। यानी पीएम मोदी जब तक गुजरात पहुंचकर भाषण दे पाते, उससे पहले ही राहुल ने उनके बयानों को जुमलेबाजी की संज्ञा दे डाली। गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को लुभाने की आखिरी कोशिश की। पीएम मोदी ने गुजरात गौरव महासम्मेलन में समापन को संबोधित किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका सेना में 5 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। ऐसा उत्तर कोरिया के द्वारा अमेरिकी सीमा के अंदर गुआम क्षेत्र के मिसाइल दागने की ताजा धमकियों के बीच किया गया। बता दें कि ट्रंप और किम जोंग उन के बीच चल रही तीखी बयानबाजी के कारण जंग का डर बना हुआ है। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने से पहले वर्ष 2012 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की मुंबई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से हुई मुलाकात की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नाराज थी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को ऐसा नहीं करने की सलाह भी दी थी। बता दें कि ये खुलासा पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा के तीसरे भाग में किया गया है। पंजाब पुलिस द्वारा अब एक नई मुहिम चलाई गई है। बता दें कि इस मुहिम के तहत बठिंडा जिले में पुलिस की कुल 29 टीमें तैयार की गई हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान अपने इलाकों में पैदल वीडियो कैमरे के साथ पेट्रोलिंग का काम करते नजर आएंगे, ताकि वहां कोई भी गलत काम ना हो सके। लालू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनको यहां अब नीतीश कुमार को दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही ये भी कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अगले 7 जन्मों में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफ नहीं करेंगे। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को लेकर चल रहे विवाद में अब बीजेपी के विधायक संगीत सोम भी कूद पड़े हैं। मेरठ की सरधना सीट से भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत दर्द हुआ जब ताजमहल का नाम देश के ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। देश के साथ दुनिया को भी हिला देने वाली आरोशी और हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए राजेश और नुपुर तलवार महीने में हर 15 दिनों के बीच में गाजियाबाद की डासना जाएंगे, जहां पर दोनों उन कैदियों की जांच करेंगे जिनके दांत खराब है या फिर उन्हें कोई और शिकायत है। सितंबर के महीने में थोक महंगाई ने सरकार और देश के उपभोक्ताओं को राहत देने वाला काम किया है। सब्जियों के साथ साथ खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई कमी का असर बाजार में थोक महंगाई पर भी देखने को मिला। बता दें कि सितंबर में थोक मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 2.6% पर आ गई है। महेंद्र सिंह धोनी ने फुटबॉल मैदान पर भी अपना जलवा बिखेरा और उनके चमत्कारी खेल की मदद से विराट कोहली की अगुवाई वाली ऑल हॉर्स टीम ने सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच जीत लिया। बता दें कि विराट की टीम ने अभिषेक बच्चन के नेतृत्व वाली ऑल स्टार टीम को 7-3 से हराया। फिलहाल मेरे साथ खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।